उसकी कामयाबी रोकी नहीं जाती, उसकी बदनामी शुरू कर दी जाती है। जी हाँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बिग बी कह रहे हैं, जो ठग था हिंदुस्तान में धमाल मचाने के लिए आ रहा है। पहली बार वो आमिर खान के नज़र आएंगे, लेकिन उससे पहले वो एक कानूनी पचड़े में फंस गए हैं। तो क्या है कानूनी पचड़ा, मैं आपको बताऊँगा। मैं हूँ विद्याशंकर तिवारी, इंडिया न्यूज के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए। कानूनी पचड़ा ये है कि वो एक मसाले के ऐड में वकील के वेश में नज़र आ रहे हैं। इसको वकीलों ने बहुत ही संजीदगी से लिया है और उन्हें लीगल नोटिस सर्व कर दिया है कि आप बताएं कि आपने ये कैसे वकील का ड्रेस और वकील का कोट पहना। उसको लेकर के उस जैसे ही वकीलों ने नोटिस दिया, दिल्ली बार काउंसिल ने उनको नोटिस भेजा है। दिल्ली बार काउंसिल के अध्यक्ष जो है KC मित्तल, उन्होंने बताया कि कानूनी रूप से कोई भी ऐसा नहीं कर सकता कि वकील के ड्रेस का जो है कमर्शियल एड फिल्म में इस्तेमाल किया जाए। और यहीं से कानूनी पेशी जो है बिग बी के सामने खड़ी हो गई। हालांकि बिग बी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, वो हमेशा से कभी जमीन को लेकर के, कभी खेत को लेकर के, कभी मुकदमेबाजी को लेकर के इन नोटिसों को झेलते रहे हैं। लेकिन इस उनके लिए नई परेशानी इसलिए होने वाली है कि शायद ये पहली बार हुआ है कि किसी काले कोट को पहनने को लेकर के उनके खिलाफ जो है नोटिस भेजा गया हो। और निश्चित रूप से सिर्फ वही इसके लपेटे में नहीं आएंगे, जिस कंपनी के लिए वो एड फिल्म कर रहे थे वो कंपनी भी इस कानून के जद में आएगी, और जो इससे जुड़े होंगे वो इसके जद में आएंगे कि आखिरकार आपने वकील के ड्रेस का कैसे कमर्शियल इस्तेमाल किया। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर।